नहीं गैस मिला, नहीं कलोनी, कुछ भी नहीं। बोर्ड जे सोच दी मेरा मकान बन जाए, बम्बक पानी नहीं आता। सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। इसमें अभी पुल नहीं बन पाया, रोजाना होते एक्सीडेंट साहब। बहुत धरना प्रदर्शन हुए, अभी तक चालू नहीं हुआ। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, समय ठाड़ी है, जिन सूख रही है। गांव जंक्शन का कारवां आज पहुंचा है इत्र नगरी कन्नौज के उमरदा में, और यहां पर हमारे साथ में तमाम मतदाता मौजूद हैं जो कुछ समय के बाद ये तय करेंगे कि उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा। इनके लिए मुद्दे क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, क्या काम है जो इन्हें अच्छा लगता है, ये इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या आधार होगा इनके मतदान को लेकर। क्या करते हैं काम? खेती का। खेती है, काहे की खेती कर रहे हैं? धान गेहूं की। अच्छा, हाँ की समस्या क्या है ये बताइए। हमें परेशानी बहुत रात। क्या समस्या है? समस्या तो ये रात कोई काम होता नहीं है। नहीं होता है ना। ठीक, क्या काम नहीं होता है? काम ऐसे है कि बम्बक पानी नहीं आता, बस सौर काम ये है। अच्छा, हाँ। और सब काम बढ़िया? और सब बढ़िया, और बढ़िया। जल ही जीवन है, पानी तो गायब है आप बता रहे हैं। हाँ, विधायक से पानी बम्बक नहीं आता था। हाँ, यहाँ पर कई महिलाएं भी बैठी हुई हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। मैं मिलो तो कुछ ना, ना लेटरिंग मिली, ना देखो बाप मिली, देखो कॉलोनी कुछ नहीं मिला। अपने मेहनत हाथ पांत मेहनत है, बच्चा ने कमाओ, मकान कान बनाओ, लेटरिंग अब ऐसा बनवा पाई और कुछ ना, इतनी सुविधा है गांव में। यहाँ पे बाकी ये स्वास्थ्य स्वास्थ्य इलाज चाहिए वो सब मिलता है? नहीं। हाँ मिलता है, ये दवा सरकारी है। सारा इलाज मिलता है कि थोड़ा? थोड़ी टिकिया वगैरह दे देता। कुछ भी नहीं मिलता है, घर टूटे मरैया में रहत, लड़का बच्चा सब पानी में रहत, पानी बरसत तो पानी में रहत। कलोनी का ये प्रधान का कात कात का मेरे जिम्मे निकाल ले, वोट तो डरत आई सोचा कि जो कलोनी उलोनी मिली है सो कुछ नहीं कहूँ मिलत, न खेत न टपरिया कुछ नहीं, एक बीघा है खेत बस। योजना उजना का कोई लाभ मिला? कुछ नहीं। राशन राशन मिला? राशन तो मिला। सिलेंडर? सिलेंडर भी कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला। ये क्या खाना चूल्हे पे बना रहे? चूल्हे पर बना रहे, नहीं गैस मिला, नहीं कलोनी कुछ भी नहीं। प्रधान के कहते है तो कहते का कि मेरे जिम निकाल लो, तो कहे नहीं मिला अभी तक। पता नहीं सर, कुछ बताया होगा? कुछ नहीं बता, कहत आई नहीं कलोनी, तो पानी जब गिरता है तो तब बच्चा सब पानी में रहते हैं, ऊपर से चूते हैं बस। तो खाना रोज इसी पे बनता है? रोज यही पर बनाता, लकड़िए पर बनाते। एक बार बनाने गए तो बनाए नहीं गैस सिलेंडर। क्या बोल के मना करें? कहा था कि जो नहीं बन पाएगी, पैसा दो तब बनाएंगे। पैसा मांगते हैं इसके लिए? हाँ, गैस का पैसा मांगते हैं। सरकार तो कहती है हम बहुत सिलेंडर बांट रहे हैं, घर दे रहे हैं। नहीं मेरे दिया है कुछ भी नहीं। क्या हुआ? खाना चूहे इस पे बना रही हैं, लकड़ी जला के चूल्हे, गैस का ही नहीं जला रही? गैस मिली ना, सिलेंडर मिला ही नहीं। क्यों मांगी आंगी नहीं? क्या राशन कार्ड नहीं है तो इसलिए नहीं मिली तुम्हें? तो राशन भी नहीं मिलता क्या फिर? अब बन गो, अब तब से सिलेंडर मिलो ही नहीं। अच्छा, अंधेरा का लाइट नहीं आ रही क्या? आई नहीं लाइट है? नहीं क्यों कराई नहीं पाओ? इतने गरीब ही हैं सब, का करें, बहुत गरीब हैं, तुम्हें लाइट कराई नहीं पाए। ठेलिया लगाओ तो दूध का धंधा करें। काहे की ठेलिया लगाते हैं? बेचता है, बच्चे ही पाली पाओ तो। और ये झोपड़ी भी दिख रही है ऊपर, सब का प्रेल पड़ा है, छप्पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा उस दिन, छप्पर और ऊपर का। मकान का नहीं मिला? नहीं मिला मकान अकान कुछ नहीं है। क्या सोच के वोट देंगे? वोट जे सोच दी मेरे मकान बन जाए, वोट दिए कमरा बन जाए, अच्छे बच्चे आराम लगे हम सब जने। क्या मुद्दे हैं आप लोग के द्वारा चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा है, क्या सोचेंगे? मुद्दा क्या जो सबको सबको ही करे तो मुंह करें, हम कोई नहीं। देख के भेड़ चाल तो चलना नहीं, अपना आपका कुछ सोचा होगा ना कि क्या मुद्दा होगा? मुद्दा क्या, वही मुद्दा है और क्या है, आदमी को कुछ तो बेनिफिट तो मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिला? बेनिफिट क्या, हमें तो किसान ही करते हैं, वही करना है और क्या करना है। किसान का मुद्दा क्या है? किसान का मुद्दा क्या है, किसान का अनाज सस्ता बिकता है, बेनिफिट नहीं मिलता है और क्या है, यही बेनिफिट और मुद्दा। और मुद्दा कहा है तो खेती करते हैं, किसान आदमी है। मैं बेरोजगार हूँ और बेरोजगार हमें करने वाली भाजपा सरकार है, हमारे जैसे नौजवान पता नहीं कितने बेरोजगार हैं, पहला काम। दूसरा काम ये है सर हमारा, किसान
चाहे फादर हो, हमारे पिताजी तो सर्विस मैन है, कोई बात नहीं है, एक्सपायर हो गए, लेकिन हमारे जैसे चाचा हुए वो भी किसान है। किसान को क्या चाहिए? डीजल सस्ता हो, उसके बाद में खाद सस्ती हो, हमारा उचित दाम हमें मिले, मेरा रेट जो भी है हमारा अनाज का, वो आज तक मिलता नहीं है। डीजल और इसके भाव आपको तो पता ही है। सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा है वो बेरोजगारी है, बेरोजगारी से ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ का इस क्षेत्र की बात करें तो क्या क्या मुद्दे हैं? यहाँ क्षेत्र साहब सड़कें खराब हैं, लाइट पर्याप्त मिलती नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ जो सीएससी सामने माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था वो आज भी बंद पड़ा है, काऊ मिल्क प्लांट वो भी आज तक बंद पड़ा है, पैरा मेडिकल कॉलेज आज तक बंद पड़ा है, ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वो भी आज तक बंद पड़ा है। तो सर सबसे बड़ी जो मुद्दे हैं, सब कुछ तो बंद पड़ा है। आपने काऊ मिल्क प्लांट की बात की थी तो कब से बंद पड़ा है ये साहब? सरकार जब से समाजवादी सरकार गई है यहाँ का विकास ठप हो गया है, और एक सिंगल ईंट भाजपा सरकार पूरे जनपद में एक सिंगल ईंट नहीं लगा पाई। जो काऊ मिल्क प्लांट की आप बात कर रहे हैं उसके बंद होने से क्या क्या दिक्कत आ रही है? काऊ मिल्क प्लांट सर सब दिक्कत है, किसान क्या है, किसान को नगद पैसा मिलता था, पैसा नहीं मिल रहा था दूध का बढ़िया, काऊ प्लांट कारण नहीं मिल रहा था। नहीं अब तो बंद हो, अब नहीं मिल रहा ना, अब दूध ही नहीं जा रहा, और ये फोर लाइन बने कम से कम 8-6 साल हो गए। यहाँ क्या पशुपालक बहुत है जी? ये अभी रोड बना, फोर लाइन बनी है, इसमें अभी पुल नहीं बन पाया, रोजाना होते एक्सीडेंट साहब, बम भी कहीं ठेला गिरते हैं, कहीं कुछ होता, कहीं कुछ आता, नुकसान ही होता है, दिन हजारों एक्सीडेंट हुए साहब इस पुल के कारण। ये बता रहे हैं कि सामने सीएससी बंद पड़ी है, हम तो देख रहे थे अभी बनी हुई है बिल्कुल, ये तो पूरी तैयार, काम तो नहीं कुछ हो रहा था, थोड़ा बहुत आते डॉक्टर, एक बताए चाचा मुझे दवा मिलते, सुई हुई बोतल नहीं चढ़ती। हाँ उसके लिए क्या भर्ती, कोई भर्ती नहीं होता इसमें ऐसा तो बड़ी, ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख बैक है, बोतल नहीं चढ़ेगी, दवा तो मिलेगी, दवा खाली टिक्की दे दे, टूप उप दे दे। डॉक्टर रहते हैं? डॉक्टर हैं? हाँ डॉक्टर आउट, मैं 10 बजे आए, 4 बजे 3 बजे चले जाते। आप क्या कह रहे हैं ज्यादा बीमार होने पे? कानपुर और तिरवा चले जाते आदमी, और का यहाँ पूरा इलाज नहीं मिलता? नहीं कोई इलाज नहीं। जो ये काऊ मिल्क प्लांट है इसमें डायरेक्ट किसान का जाना चाहिए दूध, तो वहाँ किसान का नहीं जाता है दूध, यहाँ से कहीं प्राइवेट फैक्ट्रियों में जाएगा, वहाँ से फिर यहाँ आके फिर यहाँ बिक्री होगा, तो डायरेक्ट किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बाद रोड भी ले लो, कुछ भी ले लो, मेडिकल कॉलेज में जाओ तो वहाँ दवा नहीं, कैंसर संस्थान बना पड़ा, किसान बाजार बनी पड़ी, कोई चालू नहीं हो रही। कैंसर अस्पताल के लिए बहुत धरना प्रदर्शन हुए, अभी तक चालू नहीं हुआ, वैसे ही बंद पड़ा। ये बताएं कि इतने मुद्दे ये लोग बताए हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है सबसे बड़ा, जब वोट डालने जाएंगे क्या ध्यान में रखेंगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि गोरू हरांस तकलीफ है, खेती में गोरू सबरे ढीले रात, उनके लिए क्या करें, मारा कूटी करो तो जेल काटो। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो काऊ मिल्क प्लांट की बात हो, इसके अलावा कई और चीज़ें जो बंद रहीं, उसको लेके इन लोगों को कष्ट है इस बात का कि अगर ये प्रोजेक्ट चल रहे होते तो लोगों को रोज़गार मिल रहा होता। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर यहाँ पर केंद्र जरूर बना है लेकिन वहाँ पर पूरा इलाज ना मिलने की शिकायत ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये लोग अब अपना मतदान करने वाले हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।